जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों 20 अक्टूबर यानी रविवार के दिन 2024 में करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा तो की ही जाती है, माता को सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है, साथ ही साथ घर के किसी बुजुर्ग महिला को जो सुहागन हो उनको बायने का सामान भी दिया जाता है। तो बायने के सामान में हमको क्या क्या सामग्री रखनी होती है, मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें रखनी होती हैं, साथ ही साथ किससे, अगर कोई घर में सासू माँ जैसे हैं अगर वो नहीं है तो फिर बायना किसे देना चाहिए, अगर कोई भी बड़ा बुजुर्ग ऐसे में नहीं मिलता है तो फिर किसे देना चाहिए, ये सब चीज़ों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। बायना क्या निकालना चाहिए, कब निकालना चाहिए, क्या क्या सामान हमको निकालना होता है मुख्य रूप से। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको उनको कोई साड़ी देनी होती है, और साड़ी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। इस तरह से जैसी आपकी सामर्थ्य है देने की, और जैसी साड़ी आपकी सासू माँ पहनना पसंद करती हैं, जिसको भी आपको देना है तो कोशिश करें कि उसको उसकी पसंद के हिसाब से ही लें, क्योंकि उसको भी यूज़ करना होता है। तो कुछ भी दे देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो चीज़ यूज़ करे कोई वो दें तो ठीक है ना। तो इस तरह से कोई काला यूज़ मत करिएगा, काले कपड़े नहीं दिए जाते हैं। बाकी कोई भी आप लाल, पीला, गुलाबी, हरा, इस तरह से कोई भी डार्क कलर दे सकते हैं, तो अपनी पसंद से। और अगर वो सूट पहनती हैं तो आप उन्हें सूट भी दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ साड़ी ही देना है बायना में, इसका आपको ध्यान रखना है। उनको सुहाग की सामग्री देनी है, सुहाग की सामग्री या फिर आप कह सकते हैं श्रृंगार की सामग्री, जो जो चीजें भी वो यूज करती हैं। जैसे इस प्रकार से चूड़ी मैंने ले ली है, तो एक चूड़ी उनके लिए जो वो आगे भी यूज कर सकती हैं, यूज करेंगी। ठीक है, कुछ भी नहीं देना है जैसे कि आपको बताया है, तो इस तरह से आपने ले लेना है उनके लिए चूड़ियां, जो मुख्य सामग्री मानी जाती है सुहाग की। इसके साथ ही साथ में सिंदूर चाहिए होगा आपको, सिंदूर जैसा भी वो यूज़ करती हैं। मेरी सासू माँ गीला वाला सिंदूर नहीं यूज़ करती हैं, जो आजकल लोग यूज़ करते हैं वो अभी ऐसे पाउडर वाले जो आते हैं वही यूज़ करती हैं। तो मैं उनको मुख्य रूप से वही, इसीलिए वो मैं वही चढ़ा रही हूँ ताकि वो यूज़ कर सकें। ये गीला वाला होता है, आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, अगर वो यूज़ करना चाहें तो। उसके साथ ही साथ बिंदी, जो भी वो बड़ी छोटी जैसा लगाती होंगी उनकी पसंद के हिसाब से, मैंने उनके लिए बिंदी ली है। थोड़ा मीडियम ही वो लगाती हैं, बहुत बड़ी बिंदी या बहुत छोटी नहीं लगाती हैं, प्लेन पसंद करती हैं, तो इसलिए बिंदी ले लिया है। इसके साथ ही साथ आप मेहंदी का कोन ले लीजिएगा, एक या दो कोन ले लीजिएगा कम से कम। ठीक है, तो दो कोन आप मेहंदी का ले लीजिए। इसके अतिरिक्त अब ये तो मुख्य चीज़ें हो जाती हैं, आलता मुख्य है वो ले लीजिएगा। आलता नहीं तो ये देखिए, इस तरह से ये जो रंग आते हैं हमारी तरफ मिलते हैं, इसको पानी में घोल के लगाया जाता है, डार्क कलर बहुत अच्छा आता है इसका, तो इसलिए मैंने आलता इस फॉर्म में उनके लिए रख लिया है। और नेल पेंट, बाकी का जैसा आपको बताया कि जो आपको जो वो यूज़ करती हूँ जो चीज़ें उनकी पसंद के हिसाब से, लिपस्टिक है, और ठंडियाँ शुरू होने वाली हैं तो ये मॉइस्चर के लिए लोशन हो गया है, और क्रीम, ये सिंपल चीज़ें हैं जो पसंद करेंगी तो इसलिए लिया हुआ है। साथ ही साथ में फेस पाउडर और क्लच आजकल के हिसाब से, ठीक है, क्लच ले लिया है। ये सब श्रृंगार की सामग्री है, सुहाग की बहुत वो नहीं है। और लिपस्टिक जैसा कि आपको बताया मैंने लिया ही हुआ है। साथ ही साथ में रबर बैंड लिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा चोटी करती हैं तो रबर बैंड है। और ठंडियों वाली क्रीम भी उनके लिए ले लिया है, बोरो प्लस जो आता है आजकल, ठीक है, पाउडर ले लिया है। ये चीज़ें जैसा कि आपको बताया है, और कंघा, ठीक है, आप अपने हिसाब से ये सब चीज़ें लेंगे जो यूज़ करने वाली होंगी। ठीक है, मुख्य चीज़ें जैसे कि आपको बता ही दिया है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, ये मुख्य होती हैं जो कि सुहाग की चीज़ें होती हैं, कंघे। और साथ ही साथ दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जरूर दीजिएगा। इन चीज़ों के साथ ऐसा नहीं केवल आप सुहाग की सामग्री दे रहे हैं, कोई कपड़ा दान दे रहे हैं और कुछ नहीं, तो दक्षिणा चाहे आप 21 रुपये ही रख दीजिएगा हाथ पर, लेकिन वो दे करके ये आपको पैर छूने होते हैं अपने सासू माँ के, तो जब आप पैर छूते हैं ना तभी आपको ये दक्षिणा उनको देनी होती है, चाहे आप 20, 21, 50, 100 जो भी है वो आप दे दीजिएगा। ये होती है मुख्य रूप से बायने का सामान। इसके अतिरिक्त जो है आप जो चीज़ें जैसे कुछ चीज़ें अपने लिए भी चढ़ा सकते हैं, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, ये आप अपने लिए भी चढ़ा दीजिएगा ताकि बाद में उसे आप खुद भी यूज़ कर सकें प्रसाद के रूप में माता के। ठीक है, तो आप अपने लिए चढ़ा दीजिएगा। और ये जो होती है ये पूरा का पूरा आपको दान देना होता है सासू माँ को। अब बहुत से लोग पूछते हैं अगर सासू माँ नहीं है या विधवा है, सुहागन नहीं है तो क्या करें, तो आपको ससुराल पक्ष में ही ये देना होता है, मायके पक्ष में देखिए नहीं अवॉइड किया जाता है, तो सासरे के साइड से ही आपको, सासू नहीं है तो आप जेठानी अगर सुहागन है तो आप जेठानी को दे दीजिए, नंद अगर आपकी जो है सुहागन है तो आप अपनी ननद को वो चीज़ सामग्री दे सकती हैं जो आपने बायने का निकाला हुआ है।
अगर दूर हैं कहीं या भी नहीं है तो भी आप बाद में भी उनको ये सारी सामग्री दे सकते हैं। जो लोग के यहाँ देखिए करवा दिया जाता है, करवे में मीठा भरा रहता है मिठाई, तो फिर आप वो करवा तो आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए आप करवे की मिठाई जो है आसपास किसी भी को दान दे सकते हैं, ताकि वो वेस्ट ना हो, किसी कन्या को भी आप दे सकते हैं, है ना, कि उसको कोई खा ले, वो आपको मीठा चीज़ जो है वो दे दीजिएगा। लेकिन ये जो सामग्री है सास के लिए ननद के दे सकते हैं आप, और नहीं तो अगर कोई सास ननद कोई पास में नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप दे सकें, जिठानी वगैरह भी नहीं है, तो आप किसी आस पड़ोस में किसी सुहागन महिला को जो थोड़ा आपसे उम्र में बुजुर्ग हो, जिनके आप पैर छूते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको दे सकते हैं। कोई नहीं है तो आप पंडितानी जो होती हैं मंदिर में आप उनको दे दीजिएगा। लेकिन मुख्य जैसे आपको बताया है, आपको सबसे पहले तो अपनी सासूमा को, फिर ननद को, जिठानी को, इन लोगों को ही प्रायोरिटी पे रखना है देने के लिए ये सामग्री, और सुहागन होना जरूरी है, विधवा को नहीं देना होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसा आपको बताया, आप मंदिर में पुजारिन जी को भी दे सकते हैं, पंडितानी जी को भी, या आसपास कोई आपसे उम्र में बड़ी महिला है जिनके आप पैर छूते हैं तो उनको आप दे सकते हैं। ये सामग्री मायके में देखिए अवॉइड किया जाता है, मायके की तरफ किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि आप पैर छूना होता है इसलिए। तो किसको देना है बता दिया, और क्या क्या सामग्री आपको दिखा दी है, ये सामग्री मैंने वही ली हुई है जो मेरी सासूमा यूज कर लेंगी। देने को तो आप फाउंडेशन और इस तरह की जो क्रीम्स आती है, ब्लीच वगैरह, वो बहुत चीज़ें आप दे सकते हैं, लेकिन अगर वो यूज़ करती हैं तो आप दे सकते हैं। मेरी सासूमा थोड़ा सिंपल चीज़ें ही यूज़ करती हैं, बहुत हैवी चीज़ें नहीं यूज़ करती हैं, बेसिक जो होता है वही यूज़ करती हैं, बेसिक जो क्रीम वगैरह है जैसे ये सब चीज़ें होती हैं, लोशन वगैरह बेसिक वही यूज़ करती हैं, इसलिए मैंने सिर्फ वही सामान लिए हुए हैं जो वो यूज़ कर सकती हैं, और सिंदूर भी इसी हिसाब से उनके हिसाब से ही लिया हुआ है, और साड़ी वगैरह भी, ठीक है। तो आपकी अगर जिस तरह से आपकी सासूमा आपको टेस्ट उनका पता है, या जिनको भी आपको देना है तो उनको आप दे सकते हैं। कोई एज में है आपकी ननद वगैरह को दे रहे हैं तो आप उनको आजकल के मेकअप के सामान भी दे सकती हैं, उनकी किट भी दे सकती हैं। इस तरह से ये जो सामग्री होती है ये आपको रखना है सासू माँ के बायने के लिए। दक्षिणा है, मीठा आपको बताया है, आप जो करवा में मीठा भर के रखते हैं, कई जगह पर वो किया जाता है, कई नहीं, आपके यहाँ होता है तो आप करिएगा, नहीं है तो वो ऑप्शनल होता है, तो करवा आपको नहीं देना है, और अगर आपके यहाँ मीठा भरा जाता है तो आप करवा भी सासू माँ को दान दे सकते हैं। ये हो जाता है बायने का सामान। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी माता, पार्वती माता, करवा चौथ माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपका अखंड सौभाग्य बना रहे और घर में सुख समृद्धि का वास हो। जय माता दी, हर हर महादेव।